जेट एयरवेज, वही जेट एयरवेज जो एक टाइम पे एविएशन पे राज करता था, वो अभी अपना रीस्टार्ट के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि आखिर जेट एयरवेज स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मायसेल्फ राजीव रंजन एंड वॉचिंग द एविएशन माइंड। तो इसी तरह से अगर आप एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड, एविएशन एक्सीडेंट से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। जेट एयरवेज अपने आप में एक ब्रांड थी। 2019 में जब इसका ऑपरेशन शट डाउन हुआ, तब से ही ये ऐसा लग रहा था कि जेट एयरवेज स्टार्ट होगी, लेकिन अभी 2023 आने वाला है और अभी तक जेट एयरवेज स्टार्ट नहीं हुई है। शट डाउन होने का मेन रीजन था करप्शन एंड जेट एयरवेज के ओनर के पास फंड ना होना। तो रातों रात इस कंपनी को शट डाउन कर दिया गया और करीब 20,000 एम्प्लॉयज की नौकरी रातों रात चली गई। लेकिन इससे मैनेजमेंट को क्या फर्क पड़ता है, जिसको रोना था वो रोते रह गया, जिसको लूटना था वो लूट लिया। लेकिन गाइस, अभी जब से 2022 से न्यूज चल रहा है कि जेट एयरवेज स्टार्ट हो रही है, मैं भी इस पे काफी एक्टिव था कि जेट एयरवेज यार अब स्टार्ट होगी, बिकॉज मेरा भी ये पर्सनल फेवरेट एयरलाइंस में से एक थी जेट एयरवेज। जेट एयरवेज एक ब्रांड थी, इसका जो मेंटेनेंस था वो काफी अच्छा था, हर एक डिपार्टमेंट में जेट एयरवेज बहुत आगे थी। लेकिन जेट एयरवेज जैसे ब्रांड को संभालने वाले लोग ही फ्रॉड निकले। लेकिन न्यू ब्रीड के अनुसार जलान कैलरो कंसोर्टियम है, वो ऑनरशिप कर रहे हैं जेट एयरवेज का। तो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेट एयरवेज जो है वो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज का पीएफ एंड ग्रेजुएटी अभी तक नहीं दिया है। जो एनसीएलटी है उसका साफ साफ कहना है कि जब तक जेट एयरवेज अपने एम्प्लॉयज का ड्यूज, अनपेड ड्यूज क्लियर नहीं करेगी, तब तक जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो अभी से करीब 3 महीने पहले ये न्यूज एकदम कंफर्म हो गई थी कि जेट एयरवेज दिसंबर तक तो स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन दिसंबर भी खत्म हो गया और अभी जनवरी आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जेट एयरवेज बिना ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए बहुत सारे हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक इंटरव्यूज है वो हो चुका था। जैसे जेट एयरवेज ने बहुत सारे पायलट्स को, बहुत सारे इंजीनियर्स को वो ऑलरेडी अपॉइंट कर चुकी थी। लेकिन जब आपका जहाज ही फ्लाई नहीं करेगा, जब आपका एरोप्लेन ही फ्लाई नहीं करेगा, तब आप रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे और एम्प्लॉयज को सैलरी कहाँ से दोगे। तो जेट एयरवेज के साथ फिलहाल अभी वही चल रहा है। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो जेट एयरवेज के जितने भी सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल हैं, पायलट हैं, केविन क्रू हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको लग रहा है कि जेट एयरवेज अब स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि जो जेट एयरवेज का रीस्टार्ट प्रोसेस है वो अनसर्टन दिख रहा है उनको, इस वजह से वो जेट एयरवेज को क्विट कर रहे हैं। जी हाँ गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ऑब्वियस ही बात है कि आखिर कोई भी इम्प्लॉय विदाउट सैलरी या लेस सैलरी में वो कब तक रह सकता है, जब उसके पास दूसरा ऑप्शन है तब वो क्यों नहीं अप्लाई करेगा, वो जेट एयरवेज के साथ क्यों रहेगा जब जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन ही स्टार्ट नहीं कर रही है। तो अगर सोर्सेज की माने तो जेट एयरवेज के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन फ्लाइट सर्विसेज हैं मार्क टर्नर, उनको लीव विदाउट पे पे भेज दिया गया है, यानी कि वो कंपनी का हिस्सा तो है, जेट एयरवेज के इम्प्लॉयज तो हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचो, जब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को सैलरी नहीं दे पा रही है कंपनी, तो वो लोअर पर्सनल को कैसे देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोअर मैनेजमेंट से, लोअर पर्सनल से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चलता है, वो अपर मैनेजमेंट से ही कंपनी को बैलेंस किया जाता है। लेकिन जब कंपनी का ऊपर वाला पार्ट ही लड़खड़ा रहा है तो नीचे वाला पार्ट क्या करेगा। जब उनको ही आप लीव विदाउट पे पे सेंड कर रहे हो तो नीचे वाला जो बंदा है वो तो ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाएगा और वो भी कंपनी छोड़कर कहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढेगा। और गाइस, अगर रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे जो हेड ऑफ इंजीनियरिंग एंड हेड ऑफ एचआर हैं वो ऑलरेडी कंपनी को रिजाइन कर चुके हैं और दूसरे एयरलाइंस का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर मैं बात करूं इन दोनों डिपार्टमेंट्स का, एचआर एंड इंजीनियरिंग, तो दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी का ग्रोथ में। जब इन दोनों डिपार्टमेंट से भी बंदे जा रहे हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज क्विट कर रहे हैं, तो फिर कंपनी का पता नहीं क्या होगा। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो जो जेट एयरवेज के सीईओ हैं संजीव कपूर, उनको तो लीव विदाउट पे पे नहीं भेजा गया है, लेकिन रिड्यूस्ड पे पे उनको रखा गया है। तो जेट एयरवेज को चाहिए कि फटाफट से कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाए जिससे जेट एयरवेज को स्मूथ स्टार्ट किया जा सके। तो आज से करीब 6 महीने पहले जब जेट एयरवेज का टेस्ट फ्लाइट हुआ था, प्रूविंग फ्लाइट हुआ था, तो सच बता रहा हूँ दिल काफी खुश हो गया था कि यार अब तो जेट एयरवेज स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज प्रूविंग फ्लाइट होता है, जो टेस्ट फ्लाइट होता है, वो एक लास्ट फेज होता है
एयरवर्दिन स्टैंडर्ड से एरोप्लेन को फिट रखना, एरोप्लेन इज फिट टू फ्लाई, बट एट द सेम टाइम कंपनी ऑल्सो मैटर्स। जब कंपनी फंड नहीं जनरेट कर पा रही है, जब कंपनी प्रीवियस इंप्लॉयज को ग्रेजुटी एंड PF प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वो एरोप्लेन का फ्यूल कॉस्ट और जो भी खर्चा होता है वो कैसे बेयर करेगी। तो ये एक सवाल है, आखिर जेटर वेज स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे मेन कारण क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको भी लगता है कि आखिर जेटर वेज स्टार्ट ना होने के पीछे मेन रीजन क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से जरूर दे सकते हो। तो गाइज, यही था जेटर वेज रिलेटेड बैड न्यूज, और आई होप सो कि ये बैड न्यूज गुड न्यूज में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट लाइक टू गिव सम बैड न्यूज अबाउट जेटर वेज, बिकॉज मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है बैड न्यूज देना। लेकिन गाइज, आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हो, पूछते रहते हो कि यार जेटर वेज का अपडेट दो, तो दैट्स वाई मुझे निगेटिव अपडेट भी देना पड़ता है, जो कि आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इसी तरह से चाहते हो रेगुलर बेसिस पे एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड, एविएशन एक्सीडेंट से रिलेटेड, एविएशन फ्रॉड से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और आप चाहते हो कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम का ID है वो यहाँ पे आ रहा है, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।